नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद ही खास प्रोग्राम। दोस्तों, प्रेगनेंसी में अक्सर आपने देखा होगा हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, स्किन पर काफ़ी चेंजेस आते हैं और हमारे ब्रेस्ट में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। जी हाँ, कई बार आपने कई महिलाओं से सुना होगा कि उनके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट से कुछ वॉटरी सा डिस्चार्ज होता है। कई आपने महिलाओं से ये भी सुना होगा या आपने भी इसको आसपास देखा होगा कि ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, कई महिलाओं से आपने सुना होगा, या दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने आपको एक तो एक एपिसोड इस पर किया था कि ब्रेस्ट में लीकेज क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या निकलता है, क्यों निकलता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप उस पर जाके ज़रूर ज़रूर ये एपिसोड देखें, आधी कन्फ्यूजन तो आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। आज हम इस पर एपिसोड करेंगे कि ब्रेस्ट में सूजन और दर्द क्यों होता है। देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो कई सारे बदलावों से उसकी जर्नी गुजरती है। ऐसे ही ब्रेस्ट में सूजन और दर्द होने का कारण है कि हमारे हॉर्मोन्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल एकदम बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि ब्रेस्ट में दर्द और सूजन रह सकती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको सीवियर तौर पर दर्द ना हो रहा हो। हल्का दर्द है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, हल्की सूजन है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ ये बताएं कि अगर आप ऐसी परेशानी झेल रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आपको देखिए, वैसे तो ये नेचुरल चीज़ है, छोटा दर्द थोड़ा दर्द होता है तो उसको थोड़ा सा आपको एक अपनी होती है ना क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्षमता दर्द सहने की क्षमता बढ़ाएं और वो थोड़ा सा देखिए दवाइयाँ हो जहाँ तक हो सके प्रेगनेंसी में अवॉइड ही करें, लेकिन अगर ज़्यादा दर्द है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप इसका इलाज चाहती हैं कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है और हम नहीं, मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करें, उसकी सिखाई कर सकती हैं। सिखाई से क्या होगा, आपका जो सूजन है वो कम होगी। आइस पैक लगाइए, क्योंकि देखिए आइस पैक जो होता है वो सूजन को बहुत जल्दी कम करता है, तो आप आइस पैक लगा सकती हैं। बाकी हम इसके उपचार की तो कोई सलाह नहीं देते क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये अपने आप ही खुद ब खुद ठीक हो जाती है जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे आगे बढ़ती है, तो और भी कई बदलाव शरीर में चल रहे होते हैं तो आपका अपने आप ध्यान भी भटक जाएगा, फिर आपको मतलब ये चीज़ें ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। लेकिन मेरी तरफ से तो यही एक सलाह है कि इन चीज़ों को आप जैसी है वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि देखिए हमारे शरीर में बदलाव चल रहे हैं, बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं तो ये भी होना निश्चित है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दर्द ज़्यादा हो रहा है या आपके ब्रेस्ट में आपको कोई बदलाव लग रहा है, सूजन ज़्यादा लग रही है, तब आपको डॉक्टर के पास जाने की हम सलाह देते हैं और डॉक्टर के पास ज़रूर ज़रूर जाइए। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल तो है ही और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए हैप्पी पेरेंटिंग तो हमेशा ही आपके सपोर्ट में मौजूद है। और कोई भी आपको देखिए अपने शरीर में बदलाव है जो आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बस आपको बहुत ध्यान रखना है अपना और अपने बेबी का। कई बार ये भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद भी सूजन ब्रेस्ट में आ जाती है। वो देखिए, वो सूजन इसलिए आती है कि आपका एक तो बेबी जो होता है वो फीड कर रहा है, तो कई बार होता है कि वो आपको सूजन लग रही हो, वो सूजन ना हो और वो एकदम ब्रेस्ट जो होते हैं टाइट हो जाते हैं जब दूध भर जाता है, जब बेबी ने काफ़ी टाइम से दूध नहीं पिया होता, तो उसको रिलीज़ करने के बाद वो सूजन ठीक हो जाती है। और कई बार होता है कि दूध की गांठें बन जाती हैं हमारे ब्रेस्ट में, तो उस वजह से भी सूजन महसूस होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, गर्म टावल से आप सिखाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो दूध भी रिलीज़ होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा दूध और सूजन भी कम हो जाएगी और टाइटनेस भी ब्रेस्ट में कम हो जाएगी। तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और कोई भी क्वेरी हो हमें ज़रूर ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।